मम्मी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, ढूंढ दो जल्दी जल्दी जल्दी। मम्मी मम्मी कुछ नहीं होगा पक्का। अब बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई अनुपमा। अगर कोई काम नहीं भी कर रहा हो तो भी घर में इस तरह से चीखना चिल्लाना इज बैड मैनर्स। तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? इसको तमीज सिखाने के लिए इसकी माँ है काफिया। तुम परेशान मत हो। तू जा अंदर। ओके, बाय बाय। समर। तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी? वो तो अच्छा हुआ तुम्हें काव्या ने रोक लिया, वरना तुम यहाँ नाच रहे होते और मेरा सीओ मेरे सर पे नाच रहा होता। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था कि आपकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, पर ये गलती दोबारा नहीं। गलती नहीं, ये बदतमीजी थी। गलती उनसे होती है जो कुछ करते हैं और तुम कुछ करते ही नहीं, इसलिए गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये नाचने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अनुपमा देखो अपने बेटे को, देखो उसे। इसे नाचने के लिए मना किया तो उसके तेवर देखो। अरे जो अपने बाप की नहीं सुनता वो दुनिया के ताने क्या सुनेगा? दुनिया ताने देगी, मजाक उड़ाएगी। मैंने तुम्हें क्या सड़कों पे नाचने के लिए पैदा किया है? कितनी बार तुम्हें समझाया लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे हाथ में किताब नहीं देखी। पापा मैं डांस सीखना चाहता हूँ, और किताब पढ़ने से डांस नहीं सीखा जाता। ओह शट अप, शट अप। कितनी बार समझाया है कि डांस प्रोफेशन नहीं है, हॉबी है। पापा मेरे लिए डांस ना हॉबी है ना ही प्रोफेशन, डांस मेरे लिए मेरी जिंदगी है। जिंदगी है? जिंदगी के बारे में जानते क्या हो तुम? मैंने देखी है जिंदगी, इसीलिए बार बार ये समझाता हूं कि अपने इस फालतू के सपने के पीछे भागना छोड़ दो। अपने मर्जी से नहीं भाग रहा हूं मैं, और मैंने कोशिश की आप जैसा चाहते हो वैसा बनूं लेकिन नहीं बन पाया। That's just not me. मैं जानता हूं आपको मेरा डांस करना पसंद नहीं, इसलिए मेरे सपना पूरा करने में मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं बस आपसे इतना मांग रहा हूं कि मुझे मेरा सपना देखने से मत रोकिए। तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उनकी बात काटकर उन्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो तुम? What's wrong with you, Samar? It's okay. It's okay, Kavya. It's not okay. घर में इस तरह से आर्ग्यूमेंट करना, चीखना चिल्लाना इज नॉट ओके। और अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो तुम बार बार उसे फोर्स क्यों करते रहते हो? बस Kavya। इनका समर को डांटना एक पिता का अधिकार है, समर का इनके सामने अपनी बात रखना एक बेटे का अधिकार है। मैं चाहूं तो इन दोनों के बीच में बोल सकती हूं, वो एक माँ और पत्नी का अधिकार है, लेकिन एक पिता और बेटे के बीच में बोलने का किसी और को कोई अधिकार नहीं है। एक पत्नी होकर मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, तो तुम भी रहने दो ने? अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है काव्या, बाप और बेटे के बीच में किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है, चाहे वो घर वाला हो चाहे बाहर। I'm sorry पापा, मैं आपको बार बार डिसअपॉइंट करता रहता हूं, पर मैं अपना डांस नहीं छोड़ सकता।
सॉरी। क्या कर रहे थे तुम? पागल हो गए हो क्या? शादी वाला घर है, कभी भी कोई भी आ सकता है। फिर वही सवाल उठेगा कि तुम यहां क्या कर रही हो? क्या जवाब दोगी? You need to stop this nonsense. समझ रही हो तुम? समझ रही हूं वी, सब समझ रही हूं। जो तुम कह रहे हो वो भी, और जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है ना, वो भी समझ रही हूं। और ये भी समझ रही हूं कि प्यार और परिवार में से तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अनुपमा को थाम के तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो भी। दिस इज टू मच काव्या, इट्स रियली टू मच। ना ही तुम अपने आप पे कंट्रोल कर पा रही हो, ना ही अपने इमोशंस पे। आई थिंक तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। यू शुड गो। तुम नंदिनी के यहां शिफ्ट कर जाओ। थोड़ी चटनी लो। हाँ। अच्छी बनी है। अरे बहुत अच्छी बनी है। टमाटर की चटनी के साथ ये लौकी की सब्जी इतनी टेस्टी लग रही है, पूछो मत। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने का कोई जवाब नहीं अनुपमा, माइंड ब्लोइंग है। ओह। और आदमी बाहर का पास्ता वास्ता कितना भी खा ले, इवेंचुअली उसे घर का दाल चावल ही चाहिए। पास्ता तो शौक है, लेकिन दाल चावल आदत। और शौक के लिए आदत कौन छोड़ता है? वो तो तुमने कहा इसलिए मैंने खा लिया, वरना मैं तभी मना कर देता। मुझे तो पता है आपको पास्ता पसंद नहीं है, पर काव्या का इतना मन था, मैं नहीं चाहती थी कि उसे बुरा लगे, तो इसलिए आपसे कह दिया। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। एक काम करो। हाँ। थोड़ी सब्जी और चटनी के साथ दे दो ना। मिसेस दवे, आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे मैंने कहा है ना मिसेस दवे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मिसेस दवे हर छोटी बड़ी बात पे मुझे क्यों फोन करती? तुम्हें भी तो फोन कर सकती है ना। तुम औरतें आपस में क्यों नहीं डिस्कस करते? क्या हुआ? वो सूखी तीखी मिर्ची ने सुबह सुबह क्यों फोन किया? अरे कह रही थी कि सगाई में कोई उनका बहुत खास मेहमान आने वाला है, सम मिस्टर धीमन देसाई। हाँ हाँ पापा, वो मिस्टर धीमन देसाई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हाँ वही, कह रही थी कि वो उनके इन्वेस्टर हैं, तो उनका खास ध्यान रखना है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। कह रही थी नाक मत कटा दीजिएगा। अरे मैं पागल हूँ क्या? मैं अपनी बेटी की सगाई में अपने मेहमान की इंसल्ट करूंगा? जब देखो खुद तमाशा करती रहती और मुझे समझा रही थी। दिमाग खराब कर दिया यार मेरा। आप गुस्सा मत कीजिए ना, वो लीजिए। देखना ना, ये औरत जो है ना, ये बिना किसी तमाशे के सगाई नहीं होने देगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसे तमाशा करने की और हमें नीचा दिखाने की आदत है। पहले इसने रिश्ते के टाइम पे तमाशा किया, उसके बाद रिंग पे बवाल किया। तुम्हें क्या लगता है ये सगाई के टाइम पे चुप बैठेगी? सही कह रहा है वनराज, दुनिया के सबसे टेढ़े कुत्ते की पुछड़ी सीधी हो सकती है, वो नक चढ़ी की नहीं।
जय श्री कृष्ण राखी बहन सके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये किंजल और उसके पापा कहाँ रहे? वो प्रमोद किंजल को सैलून लेने गए हैं, उन्हें देर हो रही थी तो मैं जल्दी आ गई। अच्छा किया। वैसे मेरी माँ कहती है कि समधन भी बहन जैसी होती है। भगवान ने मुझे बहन तो नहीं दी लेकिन बहन जैसी समधन दे दी। और आज तो ये बंधन ऑफिस वाले तरीके से जुड़ रहे हैं। हाँ? She means officially जुड़ रहा है। बहुत जल्दी टूट भी जाएगा मिसेस शाह। आज समारोह में बहुत मजा आएगा। Of course, क्योंकि आज मैं ऐसा नाटक करूंगी कि तुम्हें अफसोस होगा कि आज का दिन आया ही क्यों। राखी! क्या हुआ? Where is किंजल? क्या हुआ प्रमोद भाई? वो किंजल ये लेटर छोड़कर कहीं भाग गई। भाग गई मतलब? नो कहीं भी। क्या लिखा है तोशु? क्या लिखा है तोशु? बोलना। बता रहे उल्लू बनाया। सॉरी गाइस इट वाज जस्ट अ प्रैंक। आई मीन मजाक था। शट अप। ये कैसा मजाक है? सगाई से आपकी लड़की भाग गई है। Is this your idea of joke? किसी को हार्ट अटैक आ जाता तो? हाँ राखी बहन, ये कैसा मजाक है? ये कोई तरीका है क्या ऐसे हंसने का? I'm really sorry. हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम भी मजाक कर रहे थे। लड़की वाले मजाक कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? Oh my God, आप दोनों में क्या केमिस्ट्री है? हम लोगों ने तो ये पहले ही प्लान कर रखा था और आप दोनों ने ऑन द स्पॉट कर दिया, वो भी बिना दूसरे से बात की है। कैसे? अरे शादी के 25 साल होने वाले हैं अब। हाँ और इतने साल बाद एक दूसरे को समझने के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ही ने अंदर जाइए, मैं ही बाहर खड़ी हूँ, आप टेंशन मत लेना। जाए इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं स्वीटी कोई मुश्किल में तो नहीं? सर अभी आवाज निकाली ना तो सारी फोटो वायरल कर दूंगा। ये तो बाहर खड़ी है, इसको यहां से भेज। चल सारी फोटो वायरल कर दूंगा, समझ में आया? इसको यहां से भेज। गुड गर्ल। जन्मिल दीदी, हाँ वो मेरे हैंडबैग में ना मेरा मेकअप का पाउच है, प्लीज ला दीजिए। स्वीटी बहन ये मेकअप का सामान लाना जरूरी है क्योंकि भाभी ने मुझे मना किया है आपको अकेला छोड़ने के लिए। डोंट वरी जन्मिल दीदी, वो मैंने डोर अंदर से लॉक कर लिया, आप प्लीज मेरा मेकअप का पाउच ला दीजिए, जल्दी लाना जन्मिल दीदी। हाँ हाँ लाती हूँ। हाँ
तू यहाँ क्या कर रही है? स्वीटी कहाँ है? स्वीटी बेन बाथरूम में, मुझे यहाँ मेकअप का पैकेट लेने के लिए भेजा। पागल छोकरी, तुझे कहा था ना उसे अकेला मत छोड़ना। सॉरी भाभी, मैंने मना किया उनको, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती भेजा मुझे पैकेट लेने। जबरदस्ती? कुछ तो गड़बड़ है, स्वीटी बाथरूम में अकेले, कहीं वो लड़का। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? कितना का भाव खा रही है? तुझे क्या लगा कि तू मुझे स्कूल से रेस्ट्रिकेट करा देगी और मैं चुप रहूंगा? नहीं सर, मैंने कंप्लेंट नहीं की। वो तो शट अप, सब पता है मुझे। टीचर को भी तुमने ही बताया था। ये नहीं बताया। तुमने जो करना था वो कर लिया। सर प्लीज डोंट। अब देख तेरा मैं क्या हाल करता हूं। स्टॉप इट प्लीज सर, स्टॉप इट प्लीज। Stop it. Sin. Stone. Sin. बेटे को हाथ लगाने की गलती तेरी नहीं, तेरे माँ बाप की है। अगर बचपन उन्होंने तेरी पिटाई की होती ना, तो आज ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ता। ये माँ का हाथ है, पड़ता है ना तो दो तीन दिन तक कान में सितार बजते हैं। एक में समझ आ गया हो तो ठीक, वरना तेरे पास दूसरा गाल भी है, वरना उस पे भी माँ के हाथ की ऐसी छाप पड़ेगी ना कि एक हफ्ते तक होश में नहीं आएगा। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप कौन है? जानती हूँ कि बेचारे हैं, और तेरे जैसे नीच और कॉमिनी वाला जिसकी होने वो माँ बाप बेचारी होंगे। शट अप यू। बदतमीजी है ये। प्रमोद जी देखिए क्या हो रहा है ये सब। How dare she? What the hell? क्या किया आपने? पागल हो गई है क्या? मैंने कहा था ना ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आपने इनके बेटे के साथ। आवाज नीचे रखी बहन, नीचे। ओह माय गॉड, लुक एट द एटीट्यूड। हाँ, नाउ डू वन थिंग मिसेस शाह, अपने इस एटीट्यूड की अंगूठी बनाइए और अपनी बेटी की उंगली में पहना दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करूंगी जहां मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। आपकी बेबी की बदतमीजी और घटिया हरकत की वजह से मैं ये सगाई तोड़ रही हूं। सुना आपने? मैं ये सगाई तोड़ रही हूं। चलो किंजल। पर मम्मी। मम्मी क्या कर रही हैं आप? सही कर रही हूं,
भाड़ में गई है सगाई, भाड़ में गई है फैमिली और भाड़ में गया वनराज शाह। Shut up, Mrs. Dubey! Excuse me? चुप। अनुपमा, क्या हुआ? इस लड़के का नाम सिड है, स्वीटी के स्कूल में पढ़ता है। स्वीटी की नकली तस्वीरें बना के इसे डरा रहा था कि इंटरनेट पे डाल देगा। बार बार इसे मैसेज करके धमकी दे रहा था कि मुझसे अकेले मिलो वरना सगाई में आऊंगा। रात सगाई में आकर बाथरूम में स्वीटी के साथ बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी क्या होती है इससे मैं बताता हूं। मिस्टर शाह रुक जाइए, वी कैन टॉक मिस्टर शाह। स्टॉप मिस्टर शाह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की? मिस्टर शाह छोड़ दे, बदतमीजी करी तूने मेरी बेटी के साथ? बदतमीजी कैसे करी तूने? पापा छोड़ दी, मम्मी पापा चुप राखी, चुप वनराज, चुप चुप बस। ये कोई तरीका है अपने समधी से बात करने का? और ये जैसी भी है तुम्हारी समधन है तो तुम दोनों चुप हो जाओ। रिश्ता कोई अखरोट नहीं है जो बार बार तोड़ दूंगी करती रहती है, और रिश्ता तोड़ने जैसी इतनी बड़ी बात करने से पहले एक बार मन में सही और गलत का हिसाब तो कर लिया करो। वेरी गुड मिसेस शाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर आप रिश्ता तोड़ने के लिए इतनी बेचैन है ना, तो चलिए रिश्ता तोड़ के दिखाई। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझिए। हमने आपके ताने चुपचाप सुने इसलिए नहीं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम रिश्तों का सम्मान करना जानते हैं। और अगर आप मेरी बेटी के सम्मान के बाद पे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, तो कोशिश करके देख लीजिए। मेरा तोसू तो क्या, आपकी बेटी भी आपके साथ नहीं जाएगी। I'm sorry, Mr. Desai. I think we should leave now. एक मिनट राखी जी, बात मिसेस शाह ने शुरू की है, खत्म मैं करूंगी। आपने बहुत गलत किया मिसेस शाह, मेरे बेटे को दो तमाचे मार के आपने बहुत गलत किया। Exactly, mom. She's a इसे दो नहीं इतने तमाचे मारने चाहिए थे कि ये आपके बेटी के पैरों पे गिर के माफी मांगता। मैं आप सबसे माफी मांगती हूं, स्पेशली तुमसे बेटा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक अच्छी मां हूं, पर नहीं, अच्छी मां होती तो मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं करता। माँ हो तो अनुपमा शाह जैसी। आपने मुझे रास्ता दिखाया कि ऐसी बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने के लिए एक माँ को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। मैं आप सबसे वादा करती हूं कि आज के बाद मेरा बेटा आपकी बेटी को कभी परेशान नहीं करेगा। चलिए। और राखी जी, अब तो बिजनेस फैमिली से है, नफा नुकसान सब समझती है। इस परिवार के साथ रिश्ता तोड़ के आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान करोगे।